बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साबिर शफीक। आज का टॉपिक, मैं आपको एमएस वर्ड पे लोगो बनाना सिखाऊंगा कि एमएस वर्ड पे हम शेप्स की मदद से लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट होगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आप जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले A4 साइज, आपके पास जो पेज का साइज होगा वो आपके पास यहाँ मेंशन होगा। आप यहाँ पर अगर पेज साइज खुद से बनाना चाहते हैं कि आपको इस साइज के ऊपर बनाना है, तो आप यहाँ पर चले जाएं पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जब आप चले जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है साइज। साइज में देखें, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट साइज मौजूद है। आप कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं पेज के लिए। अगर आप कस्टम साइज बनाना चाहते हैं तो मोर पेज साइज, यहां पर आप पेज साइज में जाके सेलेक्ट कर लीजिएगा कस्टम साइज, और यहां पर विड्थ और हाइट, जो भी आप साइज यहां पर अप्लाई करेंगे वो साइज का पेज आपके पास अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर 5 फीट और 5 हाइट रख रहा हूं पेज का साइज, और इसे मैं ओके कर दूंगा। तो देखें, ये मेरे पास पेज का साइज बन चुका है कि मैं आप इस पेज के ऊपर काम करूंगा। जो भी अपना मुझे लोगो या डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है तो मैं उस लिहाज से पेज साइज लेकर काम कर सकता हूँ। तो चलते हैं अपने इंसर्ट फंक्शन पे। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा शेप्स। शेप्स के अंदर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है बेसिक शेप्स के अंदर से इलिप्स। इलिप्स यानी आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। सर्किल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहां से आपने शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देना है, और शेप फिल में जब आप जाएंगे तो शेप फिल में आप ग्रेडियंट कलर में चले जाएगा, और यहां पर लिखा हुआ आएगा मोर ग्रेडियंट। आप मोर ग्रेडियंट पे कलर क्लिक करेंगे, आप यहां पर आपके पास ग्रेडियंट फिल कलर पे आपने चेक लगाना है, तो आपके पास यहां पर ग्रेडियंट स्टॉपर्स आ जाएंगे। अब यहां देखिए, आपके पास 4 स्टॉपर्स आ रहे हैं, आपको यहां पर सिर्फ 2 स्टॉपर्स रखने हैं, तो आप सिलेक्ट करें और इनको यहां से क्लिक करके डिलीट कर दें। अब आपके पास 2 स्टॉपर्स हैं। अब इनके कलर्स हम चेंज कर लेते हैं कि आप स्टॉपर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर कलर लिखा हुआ आ रहा है, कलर यहां से आपने सिलेक्ट कर लेना है। एक कलर मैंने यहां पर ब्लू कलर अप्लाई कर लिया, दूसरे स्टॉपर को सिलेक्ट करूंगा और यहां मैं कलर अप्लाई कर लूंगा रेड कलर। अब देखिए कलर को इस तरीके से आ रहा है आपके पास। आप इन स्टॉपर्स को इस तरीके से मिला देंगे। जब आप कलर्स को स्टॉपर्स को आपस में मिला देंगे तो आपके पास ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन आप इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, और यहां से आपने शेप सेलेक्ट करना है स्टार एंड बैनर्स वाले में से। वेव वेव नाम का आपके पास एक शेप आ रहा होगा, आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इस शेप को आपने ड्रॉ कर लेना है। इस शेप को आप ड्रॉ करेंगे, इसकी आउटलाइन आपने बंद कर देनी है, और इसका जो फिल कलर है वो आपने यहाँ पर व्हाइट कर दिया है। तो देखें किस तरीके से हमने शेप्स को व्हाइट यहाँ पर करने के बाद जो हमारे पास जो लोगो बन गया है, वो हमने एक पेप्सी लोगो यहाँ पर बनाया है कि पेप्सी लोगो की जो क्रिएशन है वो हम किस तरीके से शेप की मदद से कर सकते हैं। तो देखें आपके पास यहाँ पर पेप्सी लोगो बन चुका है कि हमने किस तरीके से शेप्स के साथ ग्रेडियंट कलर को यूज किया है। बहुत सिंपल तरीका था कि आप पेप्सी लोगो किस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसके साथ वर्किंग करना चाहते हैं, इसको शेड्स वगैरह देना चाहते हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे चले जाएं, और यहाँ से आप शेप इफेक्ट में चले जाने के बाद अगर आप यहाँ पर ड्रॉप शेडो बेविल कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें किस तरीके से शेप्स के ऊपर डिफरेंट आपके पास अप्लाई हो रहा है बेविल फॉर्मेट। आप देख सकते हैं इस तरह स्क्रीन के ऊपर आपको जो फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिस तरीके का फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है, आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट को तो देखें आपके पास उस तरीके का एक इस तरीके से शेड अप्लाई हो चुका है। तो बहुत सिंपल था कि हमने लोगो किस तरीके से बनाना है यहाँ पर। बहुत ईजी तरीका था कि पेप्सी का लोगो ये बहुत ईजी तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।